गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज होली है और होली के इस अवसर पर आप सभी दोस्तों को मेरी तरफ से दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। और फ्रेंड्स, होली रंगों का त्यौहार है, तो आप लोग बहुत अच्छे से रंगों से मनाइए होली, और इन्हीं मेरे गार्डन के प्यारे प्यारे रंग बिरंगे फूलों के साथ एक बार और आपको हार्दिक दिल से होली की शुभकामनाएँ। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ होली के पहले एक दिन पहले मैंने कुछ शॉपिंग की है, और समय तो नहीं था लेकिन समय निकालकर मैं कुछ मार्केट कुछ ख़रीदने के लिए गई थी, तो मैंने उसी तरफ से शॉपिंग भी कर ली। तो मैंने पॉट की शॉपिंग की है फ्रेंड्स। प्लांट तो मैं ले ही लेती हूँ लेकिन पॉट की हमेशा कमी ही हो जाती है, तो मैं इस बार पॉट लेकर आई हूँ और आशा करती हूँ आप लोग को अच्छा भी लगेगा। और थोड़े से फर्टिलाइज़र भी लेकर आई हूँ जो मेरे पास ख़त्म हो गए थे। तो आज का मेरा टॉपिक ही है कि मैंने होली के अवसर पर कौन से पॉट खरीदे हैं और आपको अच्छा ज़रूर लगेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे फ्लावर्स कितने खूबसूरत, बहुत ही प्यारे पिटूनिया, देखिए रंग बिरंगे। तो जिस तरह होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार है फ्रेंड्स, उसी तरह अपने गार्डन को जब हम देखते हैं रंग बिरंगे फूलों के साथ तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है पिटूनिया। तो इस तरह से मेरा गार्डन है और मैं बहुत सारे अभी प्लांट जिनको मैंने कटिंग से लगाया है वो भी प्लांट आप लोग से शेयर करूंगी, और उन्हीं के लिए मैंने पॉट लेकर आई हूं मैं, और कुछ एक्स्ट्रा पॉट भी ले आई हूं ताकि अगर मेरे पास प्लांट तैयार हो जाते हैं तो उनको मैं लगा सकूं। तो देखिए जरेनियम में कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है इस समय, और साल्विया के जितने भी प्लांट हैं ये सारे मेरे कटिंग से लगे हुए प्लांट हैं। तो इस तरह से साल्विया के देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग चल रही है। तो इस प्लांट को भी आप लाएंगे तो इसकी कटिंग आप लगा सकते हैं, और जेरेनियम की देखिए मैंने बहुत सारी कटिंग लगाई है। और कैटरपिलर का तो बहुत ज़्यादा मेरे गार्डन में इस समय अटैक हो गया है फ्रेंड्स, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और ढूंढ ढूंढ कर सबको निकाल रही हूँ। और डहेलिया में ही खासकर मेरे कैटरपिलर हुए थे तो मैंने सारे प्लांट हटा दिए हैं। और देखिए ये वाले प्लांट है फ्रेंड्स जिनको मैं अभी रिपोर्ट करूँगी और एक दिन बात करूंगी, अभी तो नहीं करूंगी। तो ये इन्हीं सब प्लांट के लिए मैंने पॉट की शॉपिंग की है, और ये देखिए पर्पल कलर के दो कटिंग मैं लगाई थी और दोनों बहुत अच्छे से ग्रो हो गई है। तो इनको मुझे बड़े पॉट में शिफ्ट करना है। और ये बोगनविलिया, तो ये बोगनविलिया का जो कलर है वो थंबनेल में मैंने डाला है, उसी कलर का बोगनविलिया ये कटिंग से लगा हुआ है। तो इस तरह से मेरे पास बहुत सारे प्लांट हो गए हैं, लगभग 4-5। एक ऑरेंज का प्लांट है जो अपने मन से ग्रो हुआ है, उसको भी मैं रिपोर्ट कर दूंगी। तो काफ़ी बड़ा भी हो गया है, ग्रो बैग में लगा हुआ है, और प्लांट में ऐसे ही ग्रो हो गया था तो मैंने सोचा इसको लगा ही देती हूँ। और देखिए हिबिस्कस के कितने ज़्यादा बिग साइज़ के फ्लावर्स आए हैं। और अभी थोड़ा घर का काम भी त्यौहार की वजह से ज़्यादा हो गया है, इस वजह से गार्डन में समय दे पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, फिर भी समय निकाल कर मैं कर ही रही हूँ, आप लोग देख ही रहे होंगे। तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स, त्यौहार के टाइम कितना लेडीज़ों को कितना ज़्यादा काम रहता है घर पर, और उसके बाद भी समय निकाल कर गार्डनिंग में अपना टाइम देना मायने रखता है, और मुझे ऐसा लगता है। तो देखिए ये ऑरेंज का प्लांट है और इस तरह से मैंने लगा दिया था ग्रो बैग में, और काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पॉट हैं जिनको मैंने ख़रीदा है, और ये 8-8 इंच के पॉट है, और ये छोटे वाले जो पॉट है ये 3 इंच के पॉट हैं। तो अभी थोड़े से प्राइस भी बढ़ गए हैं ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं पहले भी पॉट खरीद कर लाई हूँ तो उनके प्राइस थोड़े कम थे, लेकिन अभी प्राइस पता नहीं क्यों, भैया से मैंने कहा भी कि इतने ज़्यादा प्राइस क्यों लगा रहे हो, तो उन्होंने कहा ऊपर से ही बढ़ के आया है तो हम कैसे कम में दे देंगे। तो इस तरह से मैंने जो छोटे पॉट हैं उनको 6 पीस लिया है, और ये वाले पॉट जो 8 इंच के हैं, देखिए मैंने होल भी बना लिया है सभी में। तो जो 8 इंच के पॉट है ये मैं पहले और भी लेकर आई थी 4, और इसमें बहुत अच्छे से प्लांट ग्रो भी हो रहे हैं और काफ़ी सफिशियंट है। 8 इंच का जो पॉट होता है उसमें आप बड़े प्लांट भी लगा सकते हैं। तो इसको मैंने लिया है अभी इस समय 32 रुपीज़ में एक पड़ा है मुझे, और मैं पहले 30 रुपीज़ में लेकर आई थी और उससे पहले 28 में लाई थी, लेकिन अभी मुझे 32 रुपीज़ का एक पड़ा है। और इस तरह से मैंने 8 पॉट लिए हैं 8-8 इंच के, और सभी में मैंने होल बना लिया है। तो फ्रेंड्स, मैं अक्सर करती हूँ, जब भी मैं पॉट खरीद कर लाती हूँ मैं होल ज़रूर बना लेती हूँ, तैयार रखती हूँ अपना पॉट ताकि जब भी अचानक मुझे लगाना पड़े प्लांट तो मैं जल्दी से लगा सकूँ। और ये छोटे वाले देखिए, इसको मैं 10-10 रुपीज़ में लाती थी लेकिन इसके प्राइस ज़्यादा ही बढ़ गए हैं, मुझे 15 रुपीज़ के पड़े हैं 15 रुपये के एक। तो ये वाले तो मुझे महंगे ही लगे, और मैंने 2-3 जगह पता भी किया लेकिन यही प्राइस मिल रहा था तो मुझे लेना ही पड़ा।
नहीं तो 10 रुपीज़ में मिलते थे। और ये लाई हूँ मैं NPK 1919। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है 200। पिछले बार मेरे हस्बैंड लेकर आए थे तो उनको 200 ही मिला था, लेकिन मुझे ये 150 का मिला है। फ्रेंड्स मैं यहीं से जहाँ ख़रीदती हूँ वहाँ से लेकर आई हूँ। और DAP लेकर आई हूँ, 2 किलो DAP, ये 30 रुपीज़ KG मिला मुझे। और ये वाले DAP पिछले बार मुझे नहीं मिले थे। तो बस फ्रेंड्स इतनी सी छोटी सी ही शॉपिंग है मेरी। पॉट ही मुझे लेना था और होली का अवसर था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पॉट की ख़रीदारी कर लूं, और ज़रूरी भी था। और ये सारे प्लांट जो दिखाए हैं मैं इन्हीं को इनमें शिफ्ट करूंगी, क्योंकि ऑरेंज का प्लांट है और हिबिस्कस का ये जो प्लांट है इनको बड़े पॉट की ज़रूरत पड़ती है। तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स आज का वीडियो ज़रूर आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है फ्रेंड्स तो मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे नए फ्रेंड्स मेरा वीडियो ज़रूर देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह से मैं आपको वीडियो और अपने गार्डन की अपडेट दिखाते रहूँगी। और होली की एक बार आप सभी को दिल से हार्दिक शुभकामनाएँ। होली रंगों का त्यौहार है, अपने घर में बहुत अच्छे से होली मनाइए। और देखिए फ्रेंड्स इन रंग बिरंगे फूलों के साथ आप लोगों को मेरे गार्डन की अपडेट हमेशा मैं देते रहती हूँ, और जो कुछ भी मैं अपने गार्डन में करूँगी वो आप लोग से शेयर करते रहूँगी। तो समय निकालकर अपने गार्डन में तो टाइम देना ही पड़ता है, क्योंकि ये जो प्यारे प्यारे प्लांट है ये हमारे ही भरोसे से हैं और इनकी भी हमें एक बच्चों की तरह ही देखभाल करनी पड़ती है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। क्योंकि जब तक मैं टेरिस पे नहीं आती हूँ फ्रेंड्स मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लगता है कि कौन से प्लांट की स्थिति कैसी है मुझे देखना है। और प्लांट को भी अपने जो भी गार्डनर्स हैं उनको देखना अच्छा लगता होगा क्योंकि इतने सुंदर सुंदर प्लांट हैं। तो ओके फ्रेंड्स बाय।